हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ अल्लामा इकबाल हॉल। यहाँ कुछ सामान है हमारी जो मैं पहले रहता था यहाँ पे, उसको निकालना है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ अल्लामा इकबाल हॉल अंदर से है क्या। अभी तो अल्लामा इकबाल हॉल अल्लामा बोर्डिंग हाउस बनी है, क्योंकि मेरे टाइम में यह हॉल हुआ करता था। चलिए आपको इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ। यह है अपना अल्लामा इकबाल हॉल। चलिए आपको इसको अंदर ले चलते हैं, रूम भी दिखाएंगे हम कौन से रूम में रहते थे, अंदर से हॉस्टल भी। सामने है ये है बी ब्लॉक एंड इसका दूसरा ए ब्लॉक पीछे है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। भाई लोग चलते हैं हम रूम के अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है। अंधेरा कायम रहे, चलिए चलना है मुझे ऊपर। चलिए मैं आपको ऊपर चल के मिलता हूँ। ये अभी रूम का हाल, कचरा पट्टी यहाँ के एक कवर। सामान मिल गया तुम्हारा? मेरा सामान कुछ है, सब फैजान का रूम कौन सा था? फैन तो एक ही है भाई, कितना गंदा है भाई। ले लो टाइट, ले लो वही देना, अपने अपने बच्चों को दे लो। तू बोलना कि ये मेरा टाई है। गुस्सा बैग में गुस्सा सब। कितना पेपर होकर कितना चिपका के रखा है मोहम्मद नबील। सो क्या होगा वो, चलो चलो बहुत गंदगी है यहाँ पे, सांस का बीमारी हो जाएगा आदमी को। ले रहा ना, दो काम का है तो। गैलरी अल्लामा इकबाल हॉल, ये सारे सामान अभी खाली हो रहा है अभी, क्योंकि नए अलॉटमेंट होने वाले हैं, अभी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, उसी में खाली करवाया जा रहा सब कुछ। दो साल से बंद था सब कुछ। ये रूफ टॉप बालकनी हॉस्टल की, साइकिलों का तो लाइन लगा हुआ रहता है हर हॉस्टल में। ये वार्डन हाउस सामने जो है, चलो चलो आओ। कहाँ पर? अंदर नहीं है वाईफाई। जब मेरे को मिला था ना वो कोरोना का, यही पैसा था इसको देता था, पूरा आके बैठता रहता था, पूरा रूम पे नहीं चलता था। यही है ना यहाँ का ए ब्लॉक, जो अभी मैं कुछ देर पहले सबको बी ब्लॉक का दिखाया था। रूम सबका सेम ही है, इधर 12th वाले इधर आ जाते हैं, 11th वाले को उधर मिलता है। ये वार्डन हाउस एंड सामने ही यूनिवर्सिटी हॉस्टल का मस्जिद भी है। तो हमारे साथ अभी फैज़ भाई आए हुए हैं यहाँ पे, उनका कुछ सामान था यहाँ पे, वो खाली करने आए हैं। वो बताएंगे कि उनका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये उनसे बात करते हैं। अच्छा फैज़ भाई बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 साल का इस हॉस्टल में? जी जब मैं आया था अल्लामा 2018 में, तो तब तो यूँ मतलब यूँ कहें घर से जब आने के बाद तो कहीं दिल नहीं लगती हॉस्टल में, तो वो चीज़ होती थी। शुरू शुरू में तो दिल नहीं लगता था, फिर जब फ्रेंडशिप बने, बहुत सारे दोस्त बने, तो फिर अच्छा खासा लगने लगा। और
उसके बाद फिर मैंने 2020 में यहाँ से 12th पास आउट किया, तो तभी मैंने खाली कर चुका था रूम, तो कोरोना का वो था, तो फिर जल्दी जल्दी में खाली करना पड़ा। कुछ सामान मेरे की बाकी, तो फिर यू नोटिस जारी किया गया कि मतलब 28 February तक जल्दी खाली करनी है, क्योंकि हॉस्टल रीओपन होने हैं, न्यू अलाटमेंट होंगे, तो रूम खाली होना चाहिए, बात सही है। तो हमने आया, देखा कि कुछ सामान है या नहीं अपने रूम में, और देखा कि थोड़ा वो सामान है, तो मैं वो अपने बैग में ले लिया हूँ। और बाकी जिनके तो यहाँ की याददाश्त तो बहुत मतलब क्या कहे, और कि एक याददाश्त है, यूँ तो हम 2 साल पहले ही खाली कर चुके हैं, लेकिन आज भी अल्लामा आते तो यूँ लगता है कि हम अभी अल्लामा में रह रहे हैं, ऐसी याद है इनकी। तो बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब अगर आप लोगों को भी मौका मिले, भाई बहन छोटे जो भी हों आए फिर, तो आपसे भी गुजारिश है कि मतलब इनकी प्रिपरेशन कराएं उनको, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, उसके चॉइस के अकॉर्डिंग उसको एमयू में भेजें। और एमयू में तो यू जानते ही हैं एमयू कितना भाई जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फैज भाई जो यहाँ पे 2 साल रहे हैं, उन्होंने बताया आपको कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 साल का इस हॉस्टल में। एंड इस हॉस्टल में जो भी होते हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उन सबको यहाँ पे अलॉटमेंट होता है, जिसको यहाँ पे प्लस टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन मिलता है। बेसिकली ये हॉस्टल उन्हीं लोगों के लिए है। हॉस्टल की मस्जिद, अभी तो मस्जिद बंद है क्योंकि हॉस्टल भी बंद है, इस वजह से मस्जिद को भी लॉक कर दिया है। इमाम आते हैं, वो अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, बाकी टाइम बंद ही रहता है। ये हॉस्टल से बाहर आते ही आपको इधर सामने ही है जो दिख रहा है बिल्डिंग, यही है स्कूल। स्कूल तो अभी बंद है, इसलिए मैं आपको उधर से नहीं दिखा रहा हूँ, दूर से दिखा दे रहा हूँ। यानी ये है हॉस्टल का प्लेग्राउंड। ये थी अल्लामा इकबाल की एक छोटी सी टूर, जहाँ पे हम भी कुछ टाइम पहले रहे थे यहाँ पे, एंड हमारे साथ जो फैज़ भाई आए थे वो भी यहाँ पे रहे हैं 2 साल। बहुत सारी यादें हैं इस हॉस्टल से भी जुड़ी हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी रहो वो यादें तो वहाँ बंद ही जाती है, इतने दोस्त इतना कुछ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।